वक्त की बड़ी खबर लोकसभा की कार्यवाही को लेकर आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आज लोकसभा में 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मनीष तिवारी, चंद्रशेखर प्रसाद को सस्पेंड किया गया। सुप्रिया सूले और डिंपल यादव, शशि थरूर, दानिश अली, एसटी हसन और कार्ती चिदम्बरम, सुशील कुमार, रिंकू, माला राय सस्पेंड हो चुके हैं। अभी तक कुल 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। तो संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई, सस्पेंशन का जो कार्रवाई है वो तो हो ही रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है और विपक्ष का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा राज्यसभा सुचारू रूप से एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आंख कुछ नहीं खोला, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है। आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपी को सस्पेंड किया, इट इज द अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज एग्जैक्टली? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वॉज दी ओनली इशू। एंड वी आर ऑल्सो वॉन्टिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वॉज ऑल द इशू। होने वाली है दिल्ली में और नीतीश कुमार भी यही है और पटना में पोस्टर लग गया। अगर सच में जीत चाहिए तो आपने सुना डिंपल यादव को, आपने सुना हरसिमरत कौर को, ये तमाम सांसद जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ है या फिर जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं उसे लेकर अपना गुस्सा ही जाहिर करते नजर आए। इनका कहना है कि सरकार इन्हें सवाल पूछने नहीं दे रही है, सरकार इन्हें आवाज अपनी उठाने नहीं दे रही है। Lok Sabha and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start unfortunately writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to A, talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today in solidarity with my colleagues I too joined the protest and everybody literally Rajiv Tiwari hamare sahyogi jud gaye hain sansad mein lagatar karwai ke dauran jo karwai sthagit ho rahi hain aur suspension ho rahe hain Rajiv sansad ke andar vipaksh ke netaon ka ye aarop hai ki hamari awaaz ko sarkar sun nahi rahi hai 13 tarikh ko jo ghatnakram hua sansad mein ghuspaith hui use lekar hum sarkar ka home minister ka jawab chahte hain लेकिन सवाल पूछने के बाद उन्हें भुगतना पड़ रहा है, उनका सस्पेंशन हो रहा है और इसे लेकर आवाज उठा रहे हैं सांसद। बिल्कुल, देखिए विपक्षी सांसदों का यही कहना है कि 13 तारीख को जो घटना घटी है उस पर गृह मंत्री अमित शाह को जो है अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और सांसदों की बात सुननी चाहिए। लेकिन वही देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता पक्ष के तरफ से, सरकार के तरफ से अपनी बात रखी जाती है, उसके पहले जो विपक्षी सांसदों का आक्रामक तेवर है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस तरह से लगातार वो हंगामा कर रहे हैं, वेल में आकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर बहुत ही नाराज दिखे और कल जो सस्पेंड किए गए तमाम जो कांग्रेस के ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड किया गया लोकसभा और राज्यसभा में, कल तक जो संख्या थी 93 थी, लेकिन आज फिर से जो है जिस तरह से सुबह से हंगामा देखने को मिला तो अब 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, कुल 141 सांसद अभी तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी बात यही है कि देखिए अब तक संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सत्र में जो है इतने भारी संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया गया है।
आज जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार तो तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। और अपने सांसदों से उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी अपनी बात रखिए मर्यादा में रख के बात रखिए, और संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, भाषा पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो हंगामा हो रहा है जनता देख रही है, और यही वजह कि प्रधानमंत्री ने अपने भी सांसदों को नसीहत दी है, उनको सिखाया है कि मर्यादा में रहना है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और विपक्षी सांसद जिस तरह से आक्रामक है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जरूर चिंतित है। भले ही सस्पेंड किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है जनमानस में, इस मैसेज का क्या प्रभाव पड़ेगा यह आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल जो विपक्षी सांसद हैं उनका यही कहना है कि संसद जो है चर्चा के लिए बना है, 13 तारीख को इतनी बड़ी घटना हो गई तो आखिर गृह मंत्री अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। तमाम बिल पेश किए जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पे तो गृह मंत्री अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग मांग कर रहे हैं 13 तारीख को आखिर ऐसी घटना क्यों घटी, तो उस पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए, हम लोगों की बात सुननी चाहिए, और बदले में सस्पेंड किया जा रहा है। तो विपक्षी नेता जो है बहुत ही आक्रामक है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए आज विपक्षी गठबंधन की बैठक भी है, क्या कुछ लोग रोड मैप तैयार करते हैं। फिलहाल यह बड़ा एक मैसेज जरूर गया विपक्षी दलों के लिए कि अगर आप लोग हंगामा करेंगे तो इसकी जो है राजीव, लेकिन इस बात को भी तो समझना जरूरी है कि कई वर्षों से जब संसद की कार्रवाई चाहे शीतकालीन सत्र हो चाहे मॉनसून सत्र हो, कई सालों से जो विपक्ष के तेवर संसद के अंदर, चाहे मुद्दा चलिए आज तो संसद की घुसपैठ का है, बहुत गंभीर मुद्दा है, इसे लेकर संसद के जो विपक्ष के नेता हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, हमें इन्हें लेकर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ये भी बात समझनी ज़रूरी है कि कई वर्षों से संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। यहाँ जनता का पैसा, जनता का समय व्यर्थ हो रहा है, और सांसद गण चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो अहमियत नहीं समझ रहे हैं कि संसद चलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, जो संसद की कार्यवाही है सिर्फ शीतकालीन सत्र ही नहीं, इसके पहले देखा जाए अभी जो संसद सत्र चला था लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, और यही वजह है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आपका जो एजेंडा उस सामने रखिए, उस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसके बाद भी जो हंगामा देखा जाता है, तो यह सवाल बड़ा सवाल है जो आपने कहा कि इसमें जनता का पैसा खर्च हो रहा है, और जो मैसेज जा रहा है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वो पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखते हैं, और जो हंगामा इस समय देखने को मिला है एक कहा जा सकता है एक गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और जो ये मैसेज जा रहा है गलत जा रहा है, लेकिन जो यह घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर के सरकार को आने वाले समय में एक नए तरीके से रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर बीच बीच में बैठक भी करते हैं और इस तरह के हंगामों को लेकर वो कहते हैं कि आप लोग आपस में बैठ करके विचार कीजिए और चर्चा कीजिए, लेकिन यह जो घटना घट रही है वास्तव में कहा जा सकता है कि गलत मैसेज जा रहा है जनमानस में भी और दूसरे जगह भी। अब जो शीतकालीन सत्र है इसमें ज़्यादा दिन नहीं है, 22 तारीख तक का शीतकालीन सत्र है, शुक्रवार तक जो है संसद का कार्रवाई चलेगा, लेकिन उसके पहले जो घटनाक्रम हो रहा है इसको लेकर दोनों तरफ से लोग आक्रामक हैं। सत्ता पक्ष के लोग जो सांसद हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि संसद की कार्रवाई हम चलने नहीं देंगे, हंगामा ही करेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं निकाल रहे हैं लोग, चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो घटनाक्रम हो रहा है और जो लगातार सांसदों को जो निलंबित किया जा रहा है, कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है, पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है। जनता के पास क्या कुछ, जनता इसको लेकर क्या कुछ सोचेगी यह तो कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से जरूर मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, आप लोग हंगामा न करें। जी चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के।